यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। और सिस्टमेटिक करे तो हो जाए सबका, लेकिन प्रशासन का ध्यान ही नहीं है, वसे विरार की तो ध्यान ही नहीं है। ठीक है, पेड वैक्सीन लोगे तो उधर आपको लाइन नहीं मिलेगी, बट फ्री में अगर इतना है तो फ्री में अगर वैक्सीन आप बढ़ाओगे, अगर स्लॉट्स बढ़ा दोगे, ठीक है, जिधर हॉस्पिटल्स में काउंटर्स बढ़ा दोगे तो शायद ये इतनी लाइन नहीं लगानी पड़ सकती है। एक सिस्टम के, ये सिस्टम का फेलियर है सर, और कुछ नहीं है। वसई विरार मनपा की नई स्कीम, फ्री वैक्सीनेशन लेने वालों को कोरोना भी मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। वसई विरार मनपा अंतर्गत मनपा वरुण इंडस्ट्री में जारी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव देखकर हर किसी को यही लगेगा कि मनपा ने फ्री वैक्सीनेशन के साथ मुफ्त कोरोना बांटने की कोई नई स्कीम लागू की हुई है। इस वरुण इंडस्ट्रीज वैक्सीनेशन सेंटर की दुर्दशा का यह वीडियो भी इसी बात की पूरी गवाही देता दिख रहा है, जहां ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही वैक्सीनेशन के इंतजार में खड़ी जनता के लिए कोई व्यवस्था है। देखिए सेफ न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूं वसई के वालियू वरुण इंडस्ट्रीज में। इसको यहां कोविड केयर सेंटर बंद कर दिया गया और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर फिर से शुरू कर दिया गया। आज वैक्सीनेशन सेंटर की, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की क्या स्थिति है और खुद आप देखिए कि कितनी यहाँ पर भीड़ है, कितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं। यहाँ किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं है और न ही प्रशासन का कोई अपना एक सुव्यवस्थित ढंग का कोई मैनेजमेंट। वरुण इंडस्ट्रीज की तस्वीरें हैं जहाँ सैकड़ों में नहीं हज़ारों में भीड़ है और ये सब लोग वैक्सीनेशन के इंतज़ार में खड़े हैं। अब चूँकि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे प्रवास के लिए 2 वैक्सीनेशन जरूरी कर दिए, तो उस हालत में हर एक कामकाजी इंसान को बाहर जाने के लिए अपने आप को वैक्सीनेट करना एक मायने में आवश्यक हो गया है। हालांकि वैक्सीनेशन को अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक बताया हुआ है, लेकिन फिर भी जब कामकाजी इंसान है उसको जाना है और सरकारी नियम है तो उसको पालना ही है। हालांकि वैक्सीनेशन लगवाना अपने खुद के लिए फ़ायदाकारक भी है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए जो प्रायोरिटी होना चाहिए, जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था क्या है, यह सवाल इस भीड़ से भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कितनी हजारों में सैकड़ों में भीड़ है यहाँ पर और कोई व्यवस्था बराबर से नहीं है। लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, ऊपर से बारिश टपक रही है, सैकड़ों नहीं हजारों भीड़ आपको दूर दूर तक देखी जा सकती है। रोड पे बाइक और लोगों के जो वाहन है वो देखे जा सकते हैं। यह हर एक इंसान जो है इसी कोशिश में आया कि किसी न किसी हालत में उसका वैक्सीनेशन हो जाए। हम कोशिश करते हैं यहाँ कुछ लोगों से बात करने की। सर आपका? चेनाराम चौधरी। कब से आए हैं आप? सुबह से आए थे। सुबह से यहाँ लाइन में खड़े हैं। आपका कौन सा फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है? फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज भी अभी आपको नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आपकी उम्र तो 45 से ज्यादा है, फिर आपका पहले क्यों नहीं हो चुका? 44 है। 44 है। महिलाएं भी है। आप लोग कब से खड़े हैं? सब लोग हम साथ में हैं, सब साथ में, एक साथ ही साथ में हैं। सुबह से खड़े हैं और सुबह से अभी तक आपका नंबर आया नहीं। आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया है कि ऑफलाइन है? ऑफलाइन। ऑफलाइन ये क्या बोलते हैं अभी आज होगा? अब मालूम नहीं, खड़े हैं लाइन में, देखो क्या होता है। हम लोग अब 3 दिन से आ रहे हैं। और तीन क्या नाम? संगीता। हाँ, आप अभी बता रहे थे आप 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ सर, 3 दिन से। आपको क्या इशू हो रहा है? यहाँ पे नहीं थे, अग्रवाल में थे। अग्रवाल में वहाँ पे क्या इशू हो रहा था? आपका वैक्सीनेशन नहीं? उधर भी ऐसा ही लाइन लगा के वापस जा रहे थे, खत्म हो गया बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कि वो कंप्यूटर वाला ही नहीं है इसलिए। अगर थोड़े दिनों बाद रुक के लगाएंगे तो आपको क्या समस्या है? अभी क्या मालूम, क्या मालूम मिलती है क्या नहीं, काम पे जाने को नहीं मिलेगा, यही ना। 3 दिन से छुट्टी हो रही सर, अभी क्या। अच्छा, 3 दिन से आप छुट्टी भी कर तो। मेरा नाम अमित पाठक। आप कब से खड़े हैं इंतजार में वैक्सीनेशन? सर सुबह मॉर्निंग 9:30 से खड़ा हूँ मैं इधर। 9:30 से खड़े? हाँ, जॉब का छुट्टी लेके आके इधर खड़ा हूँ। कौन सा डोज है आपका? मेरा फर्स्ट डोज है अभी। फर्स्ट डोज नहीं हुआ है।
कैसे होगा सर, लाइन में लगे रहेंगे कैसे? अगर युवा ये लाइन में खड़े रहेंगे तो पूरा दिन क्या करेंगे हम लोग, बताओ? मेरे सारे दोस्त इधर खड़े, आप कैमरा घुमा सकते हो इधर, ये देखो। सर ऑनलाइन ट्राई किया पर ऑनलाइन के स्लॉट्स अवेलेबल नहीं रहते, ऑनलाइन का जैसे 8 बजे अगर चालू हुआ तो 8:15 तक खत्म हो जाता है। अभी भी इस समय 4:30 बज गए तो आपको क्या उम्मीद है, आज हो पाएगा आपका? मुश्किल है, उम्मीद पे तो खड़े है सर। अभी आगे देखो क्या करें, वैक्सीन तो लगवाना ही है ना, बिना वैक्सीन लगाए कैसे करेंगे? वैक्सीन के लिए करना ही पड़ेगा, आप क्या करें सर? प्रशासन थोड़ा ध्यान दे और सिस्टमेटिक करे तो हो जाए सबका, लेकिन प्रशासन का ध्यान ही नहीं है, वसे विरार के तो ध्यान ही नहीं है। ठीक है, पेड वैक्सीन लोगे तो उधर आपको लाइन नहीं मिलेगी, बट फ्री में अगर इतना है तो फ्री में अगर वैक्सीन आप बढ़ाओगे, अगर स्लॉट्स बढ़ा दोगे, ठीक है, जिधर हॉस्पिटल्स में काउंटर्स बढ़ा दोगे तो शायद ये इतनी लाइन नहीं लगानी पड़ सकती है। एक सिस्टम के, ये सिस्टम का फेलियर है सर, और कुछ नहीं है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।